देखिए, हम वॉल्यूम वाले चैप्टर कर रहे थे। वॉल्यूम वाले चैप्टर में हमने दो तरह के फॉर्मूले बताए थे कि जब किसी कर्व को घुमाया जाता है एक्स एक्स के अबाउट तो उसका अलग फॉर्मूला था, वाई एक्स के अबाउट घुमाते तो उसका अलग फॉर्मूला था। अब हम कह रहे हैं जो जिसके अबाउट तुम घुमाओगे ना तो वो एक्स एक्सिस है ना ही वो वाई एक्सिस है। मैंने लिखा है एक्स इज योर रोटेशन, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है वो। सपोज करिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और हम इस लाइन के अबाउट घुमाना चाहते हैं। कोई भी लाइन दे दी उसने वैसी हमें, तो मैंने तो लाइन खींच दी वैसी सीधी, खींच नहीं रही मुझसे, तिरछी जा रही बार बार, ये चल नहीं रहा। ये देखो ये ऐसी जगह जाकर बंद हो जाता है, फिर खींच रहे हो तुम लाइन, लाइन खींचेंगे नहीं। बस यही सबसे बड़ी कमी है इसकी। चलो जी ये लाइन खींच दी, थोड़ा दूर को ले लूँ मैं, दो खींच गई अब, तब एक भी ना खींची थी। ये खींच ले, तो इस लाइन के अबाउट घुमाना है, इस लाइन के अबाउट घुमाना है इस कर्व को हमें, इस पूरे कर्व को नहीं घुमाना। मान लीजिए ये यहां से हमने ये ए पॉइंट लिया और ये बी पॉइंट लिया, बस इतनी आर्क को घुमाना है। किसके अबाउट घुमाना है? इस लाइन के अबाउट। तो जब ये आर्क घूम के जाएगी तो इधर भी घूम के जाएगी और इसके यहाँ सिरों पर जो है क्या बन जाएंगे, सर्किल बन जाएंगे ऐसे यहाँ। तो हमें इसका ये वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनाया गया है प्रूफ तो हम नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं केवल। तो मैं करना क्या है, इसके ऊपर एक पॉइंट पकड़ लेना कर्व के ऊपर जिसको तुम घुमाना चाहते हो, उसे कोऑर्डिनेट मान लेना एक्स वाई, फिर इस पॉइंट से इस पर लंब डाल देना जिस लाइन पे क्या अबाउट घुमा रहे हो, परपेंडिकुलर डालना, ये लंब डाल दो। मान लीजिए ये एम पॉइंट पड़ा तो तुम्हें इसकी लंबाई चाहिए, ये पी एम, तो पी एम चाहिए, एक तो पी एम निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो यहाँ पी एम का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के पास में ही एक दूसरा पॉइंट पकड़ना है, मान लीजिए क्यू पॉइंट पकड़ा और उसके कोऑर्डिनेट ले लिए तुमने एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई। ठीक है, और इस क्यू पॉइंट से भी यहाँ पे लंब डाल लीजिए, पास में पकड़ना इसके, तो एक ये पट्टी बन जाएगी इस पट्टी। तो इस पट्टी की तुम्हें चौड़ाई और ढूंढनी है, डी जैसे एम एन है ये, तो ये चौड़ाई कितनी होगी वो यहाँ लिखनी है। ठीक है, यदि मैं इस चित्र की बात करूँ तो इस चित्र के अनुसार बता रहा था मैं कि चौड़ाई कितनी बैठेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की मत करो, ये ऊंचाई कितनी हुई, वाई हुई, क्योंकि तुमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए हैं और क्यू पॉइंट थोड़ा आगे लिया तुमने, तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वाई प्लस डी वाई हो जाएगी। तो P और Q के बीच की जो ऊंचाई है ये कितनी बैठेगी, डी वाई तो बैठेगी, तो एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई, तो एम एन की जगह डी वाई रख देंगे और फिर से इंडिकेट कर देंगे। बस इतना सा ये फॉर्मूला है, इससे ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है वो मैं इसे करूंगा, तो एक बार तुम इसे नोट करना चाहो तो नोट कर जल्दी से। देखो बच्चे, इसको हम इस बात को हम अपना थोड़ा सा एक वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो एक वीडियो बना रखी है मैंने, इसको ध्यान से देखना। ये वाली यहां से यहां तक की आर्क है जो नीली वाली है, इस आर्क को मैं घुमाऊंगा इस वाई लाइन के अबाउट, और ना ही ये एक्स एक्सिस है ना ही ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब हम घुमाएंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी, देखो चल रही है ये ऐसे चलेगी और ये इस तरह की आकृति बना लेगी, ये बना लिया। तुम्हें समझ में आ गई, बस जी। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस तरह की आकृति बनेगी, ना तो ये एक्स के अबाउट घूम रही है ना ये वाई के अबाउट घूम रही है। तो बस ऐसे ही हमारी एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, तो एग्जाम्पल थर्ड क्या है वो देखते हैं अब। फिलहाल मैं एग्जाम्पल ज्यादा थर्ड लिख लेता हूँ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, सही से पढ़ना। फाइंड द वॉल्यूम, आयतन निकालना है ऑफ द सॉलिड उस ठोस का जनरेटेड, कमला जो उत्पन्न हुआ है बाय द रिवोल्यूशन घुमाने पर ऑफ द सरफेस ऑफ द सिसोइड, इस सिसोइड के सरफेस को, लेकिन किसके अबाउट घुमाना है, इसके एसिम्प्टोट के। अब हमें पता नहीं है कि हाँ भी एसिम्प्टोट क्या है क्या नहीं है, तो हमें इसकी ट्रेसिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम सारी बातें ट्रेसिंग करने जा रहे हैं और जल्दी जल्दी नोट करते जाना साथ साथ में। नंबर वन डालेंगे हम सिमेट्री, बताइए कौन बचा आएगा सिमेट्री के लिए, किसकी पावर इवन है, वाई की पावर इवन है तो सिमेट्री होगी अबाउट एक्स एक्सिस के, लिखते जाऊंगा मैं। सेंस ऑल पावर्स ऑफ वाई
आर इवन सो कार इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ हिंदी में भी लिखा होगे ना तो कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि वाई की सभी घात की जरूरत नहीं ना, पावर लिख दो, सभी पावर कैसी हैं, सम है, इवन लिख दो सम है, इसलिए दिया गया कार्य या कार्व या वक्र जो मर्जी तुम्हारी वक्र एक्स अक्ष के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, बस इतना लिखे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता इस बात से। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, नंबर दो डालो, नेचर ऑफ ओरिजन, नेचर ऑफ ओरिजिन। 0 0 संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा 0 0। हाँ सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई लिखना, गिवन इक्वेशन दी गई समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए कार्व में और नॉट पास ओरिजन, इसलिए कर्व ओरिजिन से पास हो भी सकता है और नहीं भी। उसके लिए क्या निकालते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट क्या निकालते हैं, इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। पावर तब निकालते हैं जब एसिम्प्टोट निकालना होता है। बताओ इसमें पहली टर्म में कितनी डिग्री आएगी, 2, अगली में 3 आएगी, और लास्ट वाली में भी साइड में वाली में 3 आएगी, तो सबसे कम है 2 वाली, 2a y स्क्वायर। तो यहां से 2 टेंजेंट आएंगी, y = 0 और y = 0। कैसी आई टेंजेंट, वास्तविक, कहीं पर भी रूट -1 नहीं आया, इसका मतलब है ओरिजिन से पास हो जाएगा, वास्तविक आ गई है। नंबर 3 डालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो x = 0 रख दो, रखो y²(2a − 0=0 था शायद, तो y की वैल्यू आएगी 0, तो पॉइंट बना 0 0। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ओरिजिन से वो पास हो जाएगा, फिर पुट करो y = 0। जैसे ही तुमने पुट करा y = 0 तो 0 × में आ जाएगा 2a − x और × में आ जाएगा x³, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब कोई नया पॉइंट नहीं है, केवल 0 0 से ही पास होगा। नंबर 4 डालेंगे एसम्प्टोट, अब हम निकालते हैं एसम्प्टोट। एसम्प्टोट निकालने के लिए दिए हुए कर्व को एक बार लिखिए, y² कितना था, y²(2a − x) = x³, सही से लिखो, तो 2a y² − x y² और ये आ जाएगा -x³। डिग्री चेक करिए, पहले टर्म की डिग्री है, एक मिनट, पहले टर्म की डिग्री कितनी जाएगी, 2, इसकी 2, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं इसके, 3 या 3 से कम। सबसे पहले निकालते हैं पैरेलल वाले, समांतर वाले, उसके लिए इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ एक्स एंड वाई सेपरेटली, अलग अलग रखो, एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है, कोफिशिएंट कितना है -1, ये कोई एसिम्प्टोट नहीं हुआ। वाई की सबसे बड़ी पावर है 2, कोफिशिएंट है 2a − x, तो ये एसिम्प्टोट आ गया x = 2a। अब तुम्हें और कोई दूसरा एसिम्प्टोट ढूंढने की जरूरत नहीं होती, इन क्वेश्चनों में एसिम्प्टोट होता है तो एक ही होता है, वरना एक से ज्यादा एसिम्प्टोट होगी तो उसे बताना पड़ेगा किस एसिम्प्टोट के अबाउट तुम घुमा रहे हो। तो x = 2a का मतलब होगा समांतर किसके, वाई एक्सिस के, तो ये लाइन है हमारी एसिम्प्टोट, तो इसके अबाउट घुमाया जा रहा।
अब करेंगे उसके बाद हम नेचर, नो सॉरी रीजन। नंबर फाइव, रीजन वेयर कर डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन वेयर कर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट करिए। उसके लिए दिए हुए कर्व को किसी एक वेरिएबल में सोल्व करना होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2a माइनस x, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x बार और अंडर रूट में x अपॉन 2a माइनस x। बस जी, इसके द्वारा हम रीजन निकाल सकते हैं। करो बच्चों, रीजन कैसे निकालेंगे वो सोचो। बनाना शुरू करो, यहां तक आ गए तुम? नहीं, अब बच्चों यहां पर पहले मैं सारी बातें रिमाइंड कर लेते हैं जो ऊपर बताई हमने। सबसे पहले बताओ, सिमेट्रिक किसके अबाउट थी? एक्स एक्सिस के, ओरिजिन से पास हो रहा था, ठीक है। टेंजेंट निकालती y बराबर जीरो, y बराबर जीरो का मतलब x एक्सिस इसको टच करके थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद हमने निकालता इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई नहीं आया, एसिम्प्टोट आया था x बराबर 2a, ये एसिम्प्टोट है x बराबर 2a। थोड़ा दूर खींच लेता हूँ क्योंकि एक ही एसिम्प्टोट है, ये खींच लिया। ओहो, सीधे में खींचने का, चलो सीधा खींच लेना तुम अपने हिसाब से, जो है मेरे से ना खींच रहा, पता नहीं कहाँ को जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर एसिम्प्टोट जो x एक्सिस के पैरेलल है, कितनी डिस्टेंस पर है? 2a डिस्टेंस पर, ये रहा, ठीक है। अब हमें रीजन में क्या करना होता है, देखो, एक तो ओरिजिन से काटना x एक्सिस को, एक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो इस लाइन पर, नहीं आया, एक एसिम्प्टोट जो इसके परपेंडिकुलर है, बस तीन जगह तोड़ दीजिए। तो चलो इस वाले टुकड़े में बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2a से ग्रेटर लेकिन इनफिनिटी से कम, जैसा कि एक आधी वैल्यू बताओ x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3a, यहाँ रखो 3a तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऊपर 3a लेकिन यहाँ तो नीचे माइनस आ गया ना, तो ये कैसी बन जाएगी, इमेजिनरी, इसका मतलब इधर चित्र नहीं है। इस वाले अमाउंट जीरो से लेकर 2a तक के बीच में रखो, a रख के देखो, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो y आ जाएगा और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, सिमेट्री ना है वो तो आता ही। चलो बताओ इस टुकड़े में चित्र है, ऊपर भी नीचे, तुम बस केवल ऊपर बना दो, तो इससे जाना है, इसको टच करना है और ये एसिम्प्टोट है, तो कैसे बनाओगे, बस यहां से लो हल्का सा टच कराओ और टच करा के आगे निकाल दो, जैसा ये बनाया वैसे ही नीचे जाएगा ये रहा। अब इधर वाले हिस्से बताओ, इस वाले में एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इनफिनिटी से लेकर जीरो से कम, जैसे कि माइनस के ए, तो यहां माइनस के ए रखा माइनस, और यहाँ माइनस ए रखोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, जबकि ऊपर माइनस आ गया है, तो वाई इमेजिनरी जाएगा, इसका मतलब इसमें चित्र नहीं बनेगा, बस ये चित्र है। अब वो कह रहा है इस पूरे कर्व को घुमा दो किसके अबाउट, एक्स इस लाइन के अबाउट। अब सोचो पूरे कर्व को कह रहा है वो, तो एक काम ना करें हम आधे घुमा ले इतने वाले को, इतने घुमा के डबल कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा, तो मैं केवल आधे को घुमा रहा हूं ए इतने हिस्से को, ये तो जब ये घूमेगा तो ऐसा जाएगा, समझ में आ गए, यहाँ भी ऐसे बन जाएंगे, ये बन गए, ठीक है। तो मैं इतने का वॉल्यूम निकाल लूंगा, अट्ठा का उसे डबल कर लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक जी। अब एक बात यहाँ पर उठती है कि यहाँ पे यो जिसके अबाउट तुम घुमा रहे हो, ना तो वो एक्स एक्सिस है और ना ही वो वाई एक्सिस है, तो फॉर्मूला जो तुम्हें बताया था वो लगाना। अब पहले सुन लो ध्यान से, उस फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जितनी आर को तुम घुमा रहे हो, ठीक है, उस पर एक पॉइंट पकड़ना पी मान लो, उसे कोऑर्डिनेट पकड़ लिया हमने एक्स और वाई, वहां से फिर उस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो जिसके अबाउट तुम घुमा रहे हो, वो मान लो एम है। फिर यहाँ पे पट्टी बनानी, पट्टी उसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो तुम्हें बता रहा हूँ। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट की क्यों मान लो, इसे कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई हो जाएगी अपने आप ही वो कितनी बन जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ये ऊंचाई तो होगी वाई और इस पर होगी वाई प्लस डी वाई, तो चौड़ाई कितनी जाएगी यहां तक, ये डी वाई जाएगी, समझ गए तुम, यहाँ ये डी वाई बन जाएगी, बस। अब ये बता दो तुम मुझे, पी एम चाहिए मुझे पी एम, यहाँ से यदि मैं यहाँ पे लम डालूंगा तो ये डिस्टेंस पूरी ए है, नहीं एक्स है, एक्स तो होगी, ये तुमने एक्स ना माना, तो ये एक्स होगी, तो ये बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आई,
पूरी दूरी 2a है, तो ये बैठेगी 2a माइनस x, क्योंकि दो चीज चाहिए, एक तो इस पट्टी की लंबाई चाहिए pm और एक इसकी चौड़ाई चाहिए। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो बस केवल जब तुम फॉर्म लगाओगे ना वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बराबर जो लिखोगे एक तो डबल जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि तुमने केवल आधे हिस्से घुमाया, पूरे हिस्से को नहीं घुमा रहे तुम। और यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला पाई पीएम का स्क्वायर लिखा जाएगा और पट्टी की चौड़ाई लिखी जाएगी। पट्टी की चौड़ाई कितनी है हमारी? एम इंटू एन। ये सही है। अब यहाँ पर तुम्हें बस लिमिट भरनी है, बस इधर ध्यान देना एक मिनट के लिए। बस पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अरे कहाँ भाग जाता है बार बार। मैं पीएम की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो इस साइड में, एक साइड में देखो, पीएम जो दूरी है वो पीएम बराबर बैठेगी, ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए ए है, ये मैंने वैसे ही कह दिया बी है, तो पीएम जो होगी वो वास्तव में ए बी के बराबर आएगी, और ए बी जो दूरी होगी वो ओ ए में से घटा देना ओ बी को, और ओ ए है 2a और वो है x। सही है। और जो एम एन है वो पट्टी की चौड़ाई है, वो हमें पता है डी वाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π को बाहर निकाल दो, पीएम की वैल्यू खोल दो, 2a माइनस x का स्क्वायर, और एम एन का मतलब हो जाएगा डी वाई। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी वाई आ गया ना यहाँ पर, तो अब तुम्हें y की लिमिट चाहिए। ऊपर देखो y की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी ये बताने तुम्हें। देखो हम निकाल रहे हैं इस ए यहां से लेकर यहां तक के इस वाले पूरे कर्व को घुमा रहे हैं, किसके अबाउट? इसके अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट। तो y की लिमिट कहां से कहां तक जानी चाहिए सोच के बताइए। यहां y की लिमिट कितनी होगी इस पॉइंट पर? यहां y की लिमिट 0 होगी, और ये जब इसे अनंत पर जाके मिलेगा यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? y होगी ऊंचाई, ऊंचाई जब ये ऊपर जाएगा ऊपर, तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू तो 2 ही जाएगी, लेकिन y की वैल्यू तो कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। तो y की वैल्यू 0 से लेकर इनफिनिट तक, वो इस पूरी कर्व को तो घुमाओगे तुम, तो इस सिरे पे देखो यहाँ पे कितना है y की वैल्यू, यहाँ 0 है, और ऊपर जाएगी जब अनंत पर तो वहां इनफिनिटी जाएगी। ये कहते हो यो आर किन दो y की वैल्यू के बीच में आ रही है ये बताओ? दो कौन सी दो वैल्यू होंगी जिनके बीच में आ रही होगी? ये किन दो वैल्यू? एक तो यहाँ होगी y की वैल्यू 0, और एक ऊपर जाकर हो जाएगी इनफिनिटी। हाँ x में कोई लिमिट पूछ लगा है, तो किन दो वैल्यू के बीच में आ रही है आर्क? इतनी आर्क 0 से लेकर 2a तक आ रही है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो लिमिट y में रखोगे तो 0 टू इनफिनिटी रखोगे, और x में करनी है तो 0 टू 2a कर लीजिए। अब भी समझ में ना आई ना को आदो को? तो हम एक छोटी सी बात पूछे, वैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, हमसे कोई कह रहा है बस इतनी सी आर्क है यहां तक की, और यहां पे हमें पता है x का मान 2a है, तो बताओ इसके लिए इस आर्क किन दो x की वैल्यू के बीच में आ रही है? एक तो 0 और एक 2a के बीच में आ रही है, तो लिमिट 0 टू 2 होगी। अब y की लिमिट देखनी, तो ये देखना और यहां देखना, यहां y कितना हो सकता है? मान लीजिए एक मिनट के लिए ऊंचाई 5a है, तो तुम कह दो कि y की वैल्यू 0 से लेकर 5a तक हो गई, लेकिन ये तो अनंत तक जा रहा, ये जा रहा अनंत तक, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाएगा तुम्हारा? y इक्वल टू इनफिनिटी तक कह दीजिए। अभी समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब यहां पर यदि y में करोगे तुम तो 0 टू इनफिनिटी लेना है, और x में करोगे तो 0 टू 2a लेना है। अब वो तुम पर डिपेंड करता है, यहाँ क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा ना अभी। देखो ध्यान दो क्यों चेंज करना पड़ेगा, वो तो मैं बता दूं। देखो यहाँ पे पीछे क्या आ गया dy, और यहाँ क्या आ गया x, या तो इस क्वेश्चन को x यहाँ से हटा के y में चेंज करो पूरे को, या dy को हटाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को भी हटा सकते हो। अगर मान लो तुम्हें इसे हटाना है x को, y में बदलना सारा क्वेश्चन y में, तो कर्व के पास जाओ ना भाई, मेन तो यहाँ कर्व ही तो है, वही तो बताया गया हमें क्या करना है। ए ये रख कर्व, ए कहाँ गया, ये रख कर्व, इस कर्व के इक्वेशन से x निकालो, लेकिन इससे x निकालना आसान काम है, बोला x की पावर 3 है, यहाँ x है, तो कैसे निकालोगे तुम x? y निकालना आसान था, x निकालना आसान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ पर dy को बदलो। अब dy को कैसे बदलेंगे, तो सोचो यहाँ dy लिखा हुआ, यहाँ लिखो dy dx, और इनटू में लिख दो dx, तो dy dx तो निकाल सके क्वेश्चन का, और dy dx निकाल के वो यहाँ भर देंगे पूरा क्वेश्चन, x में ले आएंगे हम, y में करेंगे क्यों? अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात जो है? तो मैं पूरे क्वेश्चन को बदल रहा हूं कह में, एक मिनट फिर भाग गया, लो भैया कहां पहुंच गए पता नहीं, एक मिनट में देखता हूं जरा कहां इसे कहीं पहुंच जान तुम नहीं, ए यहां पर। तो हम यहां क्वेश्चन को बदलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, 2y मैंने लिमिट नहीं लिखी अभी कुछ भी, अभी तो मुझे यही झंझट पड़ रहा है यहां पर इसे बदलने का, तो dy over dx और इनटू में dx। अब मैं dy dx निकालना पड़ेगा,
अब तुमने ऊपर मुझे बताया था क्वेश्चन में वाई स्क्वायर कितना था, 2a - x = कितना था, x³। इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, तो y बराबर बता तो डायरेक्ट कितना जाएगा, x या x³/3/2 कह लो, अपॉन में क्या जाएगा, 2a - x^1/2, और यहां से dy निकल जाएगा। प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, केवल हम प्लस लेंगे, माइनस की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो केवल ये देखना है कि dy कितना बैठेगा, क्योंकि वैसे भी देखो हम इतनी आर्क को घुमा रहे हैं, इतनी आर्क को, इस वाली आर्क को, और ये वाली आर्क जो है इसमें वाई की वैल्यू हमेशा ही कैसी रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमने हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट मारी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वाई की वैल्यू यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले रहे। चलिए जी, अब डिवाइड निकाल के दिखाइए, मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, ऐसा ना होने का, ये पहले कहा तुमसे मगर बड़े क्वेश्चन है। हाँ बोलो, डिवाइड एक्स करोगे तो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो 2a - x आ जाएगा, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले करोगे तो 3/2 x³/3/2 - 1 1/2 आ जाएगी, फिर माइनस करोगे, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले करो तो 1/2 आ जाएगा, 2a - x^-1/2 आएगा, इंटू में -1 भी आएगा, तो प्लस कर दो, यहाँ यहाँ प्लस आ जाएगा। और थोड़ा सा आसान करो, क्योंकि इंटीग्रेट भी तो तुम्हें ही करना, तो आसान करने की कोशिश करो, एक दो 2 LCM आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, देखो क्या क्या आया, ध्यान देना, 3 2a - x, और ये पावर प्लस किया है तो √x लिख दो, x³/3/2 है, यहाँ पावर ये माइनस किया है, इसे नीचे ले आना √2a - x, क्योंकि मैं LCM लूंगा अभी इस पावर को, और 2a - x, और 2 यहाँ पर बाहर निकल गया, 2 को नीचे लिख दो, ठीक जी। अब √2a - x यहाँ पर LCM लो, ये वाला तो ये इसके साथ जाएगा, यहाँ तो कितना आ जाएगा, 2a - x^3/2 और √x, अब प्लस के x^3/2 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, फिर एलसीएम वाला, तो बताओ नीचे पावर कितनी जाएगी, 2a - x^3/2 जाएगी। हैं, बोलो बोलो क्या कहाँ गलती हुई, अभी चेक कर लेंगे ना, किताब में तो हो ही रहा होगा, बताओ पूरे में कॉमन क्यों क्या आएगा, सही ना आया, बैठा ना, ठीक है, गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ कर दी हमने ऊपर, देखो हाँ ऊपर गड़बड़ कर दी, देखो डिवाइड रूल में नीचे वाले का स्क्वायर तो ये आ गया, नीचे वाला तो ऐसे ही आता ना, तो 1/2 आती ना यहाँ पर, यहाँ गलती कर दी हमने, ए यहाँ पर गलती होगी, रूट था ना, तभी तो फायदा होगा एलसीएम लेके, ये अब ये पावर हट जाएगी इससे, ये तो बचेंगे, हाँ इसलिए गलती होगी सारी। बच्चों अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने केवल क्या निकाला, हाँ dy/dx निकाला इतना, ये √x 3a - x / 2a - x^3/2। अब हम यहाँ पर जो है इसके अंदर भरेंगे, यहाँ पर आकर इसके अंदर भरेंगे, तब जाकर वॉल्यूम निकलेगा। एक बार मुझे बताना क्या वैल्यू थी, मैं बार बार भूल गया, देखो क्या था, देखो हाँ अभी एक मिनट बस यहाँ रख ले जरा, 2π 2a - x² अब बताओ, √x 3a - x / 2a - x^3/2 dx। बस बच्चों अब इसमें देखो सारा क्वेश्चन x में चेंज कर लिया है, तो मैं लिमिट पता भी है x की कहाँ से कहाँ तक जानी है, 0 से लेकर 2a तक जानी है, सही है। बस अब जल्दी जल्दी बस इंटीग्रेट कर दो, इतनी जल्दी इतना होने का, ये जितना हम समझ रहे हैं इतना आसान ना, ये देखो 2a - x, और ये 2a - x इस पावर को नीचे ले आओ, 3/2 - 2 तो माइनस की बचेगी, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, है 2 - 3/2 कितने बैठेगी, 1/2 बैठेगी ऊपर, तो √2a - x √x। अब एक बार किताब से मैच कर लो, क्या यही चल रहा है या कुछ अलग चल रहा है, यही चल रहा है, ये सब ऊपर ही है ना। देखो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे करना है इसे, तो मैं यहाँ पर x बराबर मानना है 2a, चाहे तो साइन स्क्वायर मान लेना या कोस स्क्वायर मान लेना, उससे क्या होगा, क्योंकि जो रूट है ना, ये रूट हटाना बहुत जरूरी होता है, रूट जब तक नहीं हटेगा तो इंटीग्रेशन मुश्किल रहेगा, तो यहाँ पर जब हम 2a रखेंगे ना, तो 2a तो बाहर निकल जाएगा, और 1 - sin² क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा, और जब इस वाले रूट में रखेंगे यहाँ पे, तो 2a√2 तो बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो अंडर रूट बचेगा नहीं यहाँ पर, इसलिए से साइन कोस में चेंज कर दिया गया क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 2a, इसका हाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2
साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा, और पीछे डी थीटा। अब तुम्हें यहां भरना है बस, 2 पाई भरो। इसमें भरोगे यहां पर 2a, √2a तो बाहर आ जाएगा, और 1 - sin² cos² थीटा, तो केवल cos थीटा बचेगा। जब यहां भरोगे तो √2a आ जाएगा, और sin² थीटा का केवल sin थीटा जाएगा। इसके अंदर भरोगे तो इसमें कॉमन नहीं आ पाएगा, 2a sin² थीटा ही लिखना पड़ेगा, और dx की जगह भरना पड़ेगा 4a sin θ cos θ d θ। अब थीटा की लिमिट रखते हो डायरेक्ट एकदम, जब 0 रखोगे यहाँ 0, तो ये सब इधर जाएगा 0, तो साइन 0 0, और जब 2a रखोगे 2a टू कट जाएगा, बना जाएगा 5/2 आ जाएगी। तो लिमिट भी हमारी सही चल रही है, शायद वाली फॉर्मूला लग जाए। अब जरा बाहर निकालना, जितने भी कॉन्स्टेंट है सारे बाहर निकालो। देखो √2a ये रहा, √2a ये रहा, कुल मिला के आ गया 2a, 2a बाहर निकल गया, एक पीछे से 4a भी बाहर आ जाएगा, 4a बाहर निकल गया। और देखो यहां से a भी बाहर निकल सकता था, ये निकल सकता यहां से a, तो एक a भी बाहर निकाल लिया। और देखो cos sin और cos sin पीछे है, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में बचा 3 - sin, हाँ 2 भी तो आएगा, 2 sin² थीटा, और पीछे क्या आ गया d थीटा, और लिमिट 0 to π/2। अब इसे दो जगह तोड़ कर तब करना वाली से। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 2 8 16 हो गए, देखे हैं 16π a³, ये तो आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को दो जगह तोड़ करना, एक तो लेना 3 के साथ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा d थीटा, और माइनस इसको लेना इसके साथ, तो साइन की पावर 4 हो जाएगी शायद, है, और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब वाली लगा देना, बस हो जाएगा। अब तो कर लोगे ना सर? ठीक जी।